फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द रचना, मतलब शब्दों की रचना, यानी शब्द कैसे बनते हैं। हम सभी को पता है शब्द जो होते हैं वो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे वर्ण क्या है, का, खा, गा, ना, पा, ये सब वर्ण है। मान लीजिए कि एक शब्द हम ले लेते हैं कमल, तो ये जो क, म और ला है, कमल है, ये किन शब्दों से मिलकर बना है? क, म और ला से मिलकर बना है, ठीक है। और इन ये प्रत्येक जो एक वर्ण है वो कैसे बना है, वो क में क प्लस आ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये स्वर है और ये व्यंजन है, ठीक है। दूसरा, ये जो मा है वो मा प्लस आ से मिलकर बना है, और ला जो है वो ला प्लस आ से मिलकर बना है। तो अगर हम इन सभी को मिला देते हैं तो एक हमको शब्द प्राप्त होता है, वो है कमल। इसका मतलब वर्णों के मेल से जो भी चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है शब्द। लेकिन इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वर्णों को जब हम मेल करते हैं तो जो शब्द बनता है वो सार्थक होना चाहिए, मतलब वो कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर दें, मकल कर दें, लमक कर दें, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये सार्थक नहीं कहे जाएंगे। तो वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र मेल को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। मतलब वर्णों में सार्थक हो और स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र वर्ण है उनका प्रयोग किया गया हो तो जो बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द। अब हम आगे जानेंगे कि शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे शब्दों के प्रकार। शब्दों के तीन प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं वो? उत्पत्ति के आधार पर उसको हम विभाजित करते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्दों को विभाजित करते हैं, और रचना के आधार पर हम शब्दों को विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, और तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशी शब्द। इसी प्रकार से प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी दो भागों में हम विभाजित करते हैं शब्दों को, और तीसरा है रचना के आधार पर हम तीन भागों में, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को में हम इनको विभाजित करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा तत्सम शब्द। ये तत्सम शब्द क्या होते हैं? वो शब्द जो संस्कृत भाषा से के हैं, और संस्कृत भाषा से हम जैसे संस्कृत भाषा में यूज करते हैं वैसे ही हम अपने हिंदी के रूप में हमने उनको अपना लिया है। जैसे क्या, दुग्ध। दूध को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? दुग्ध। और हम अपने हिंदी में भी दुग्ध यूज करते हैं उसको। रात्रि, रात होती है ना, रात्रि, दुग्ध, ठीक है। अक्षी मतलब आंख। तो ये संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हैं जिनको हम जैसे होते हैं ज्यों के त्यों अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे एग्जाम्पल अभी दिया था हमने, रात्रि, दुग्ध, ये सब हो गए हमारे तत्सम शब्द। अब दूसरा क्या है? तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द, ये तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द जिनको हम थोड़ा सा जब परिवर्तित कर देते हैं और अपनी हिंदी भाषा में उनको प्रयोग में लाते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे रात्रि था, ये था हमारा तत्सम शब्द, संस्कृत का शब्द था, लेकिन रात्रि को हम क्या कर रहे हैं, रात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने थोड़ा सा उस संस्कृत शब्द में थोड़ा सा चेंज किया, उसको हमने क्या बनाया, रात, और हम अपने हिंदी भाषा में इसको प्रयोग में लाने लगे। दुग्ध, दुग्ध मतलब ये हो गया हमारा तत्सम शब्द जो संस्कृत का शब्द है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, दूध। ऐसे ही अगर हम देखें, ये है अक्षी, ठीक है। अक्षी मतलब होता है, ये संस्कृत का शब्द है, अक्षी का मतलब होता है आंख, और हम उसको अपनी हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, आंख। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन उसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं और अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं। तो ये है तत्सम और तद्भव शब्द। अब हम लोग कुछ 10-12 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिसकी मदद से हम लोग को तत्सम और तद्भव अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो ये कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं। इनका यहाँ तत्सम रूप लिखा हुआ और यहाँ पर उनका तद्भव। कौन कौन से हैं? मयूर, मयूर होता है संस्कृत, तत्सम मतलब संस्कृत भाषा के शब्द, तो मयूर को हम तद्भव यानी अपनी जो हिंदी भाषा में यूज करते हैं वो मोर, ठीक है। ऐसे गृह को घर, अश्रु तत्सम और उसका आंसू तद्भव रूप है, ओष्ठ को ओंठ, दुर्बल दुबला, सर्प सांप, पिता पत्र पत्ता, कर्म ककाम और सत्य तत्सम है, और तद्भव जो है उसका क्या है? सच है। तो इस प्रकार से आज हमने ये जाना कि शब्द रचना किस प्रकार से करते हैं, शब्द रचना होती क्या है, शब्दों के कितने प्रकार में हम उसको विभाजित करते हैं, और शब्दों का जो प्रकार है कौन सा, जो उत्पत्ति के आधार पर जो उसके प्रकार हमने देखे, चार प्रकार देखे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, जिसमें कि आज हमने तद्भव और तत्सम के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब हम आने वाले वीडियोस में शब्दों के जो अन्य प्रकार है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।